तो ये मन की मांग है काम की, और ये मन की मांग है काम की, इसीलिए तरह तरह के कर्म कांड पैदा हुए, रिचुअल्स पैदा हुए, भजन कीर्तन पूजा पाठ, भगवान जी को नहलाना धुलाना, ऐसा करो वैसा करो, इतने भोग लगाओ, फिर उनको शयन कराओ, और ये सब कर्म कांड का आदमी को उलझा दो इसी काम में, वो भगवान जी के नाम पर उलझा रहेगा और यही सब करता रहेगा। अब आप बताइए, अब इस काम को करेंगे, कोई कुछ भी कर्मकांड करेंगे, तो वो कर्मकांड क्या हुआ? कर्मकांड सिर्फ इतना हुआ कि आप मन की एक आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, तो इससे मन मिटेगा? इससे तो मन और मजबूत हो, मन को आपने काम दे दिया, अब मन कैसे मिटेगा? जबकि अध्यात्म जगत का वैज्ञानिक तल पर प्राण क्या है? मन से मुक्त होना, मन को शांत करना, मन को मिटा देना, अमन्य दशा को उपलब्ध होना। लेकिन ये जो आप करने लगे, पूजा पाठ नहलाना धुलाना, एक भगवान जी बना लिया, एक आदमी के मन में प्यास होती है भगवान की, हर आदमी के भीतर प्यास होती है परमात्मा की, लेकिन समाज चाहता नहीं कि तुम परमात्मा की प्यास में उलझो। परमात्मा की प्यास में उलझ जाओगे तो घर वाले घबरा जाएंगे। अगर आपका बच्चा परमात्मा की प्यास में उलझ जाए तो आप नहीं घबरा जाओ, कहोगे अभी तो इसको ये करना वो करना फलाना करना ढिकाना करना। पति उलझ जाए परमात्मा तो पत्नी घबरा जाती है, कितनी पत्नियां आती हैं गुरुदेव इनको रोको अभी कोई उम्र अभी तो उम्र है कि ये मुझे प्यार कर रहे ये कृष्ण जी के प्यार में लग गए। अगर पत्नी लग जाए तो पतिदेव परेशान हो जाते हैं कि गुरु जी इन्हें समझाओ अभी कोई उम्र है। इसलिए समाज ने पूरी अच्छी व्यवस्था कर दी कि आपकी प्यास को, आपकी प्यास तृप्त न होने पाए। असली मार्ग मिल जाएगा तो आपकी प्यास तृप्त हो जाएगी। तो आपकी प्यास तृप्त न हो पाए तो उन्होंने एक व्यवस्था कर दी कि नकली भगवान बना के दे दिया आपको, मूर्ति बना के, पत्थर की धातु की मूर्ति बना के दे दी कि ये लो इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको अगरबत्ती लगाओ, इसको खिलाओ, इसके वस्त्र बदलो। तो ये इसमें उलझे रहोगे तो बिजी रहोगे, न तृप्ति होगी, जब तृप्ति नहीं होगी तो तुम्हें झूठी सांत्वना भी मिल जाएगी कि भगवान की सेवा भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, और तुम उलझे भी हुए हो। ना तो तुम परमात्मा में विलीन हो पाओगे और ना ही तुम तृप्त हो पाओगे, और तुम्हें संतुष्टि भी मिल जाएगी, तुम उलझे हो। जैसे माताएं आर्टिफिशियल निपल्स नहीं दे देती हैं बच्चों को, मुंह में लगा देती हैं, चूसता रहता है, मिलता थोड़ा उसको कुछ, पोषण थोड़ा मिलता है। जो काम आर्टिफिशियल निपल्स करते हैं वही काम ये हाथ के स्वयं बनाए हुए देवी देवता करते हैं, और इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। तो कर्म के मार्ग में कर्म कांड दे दिया और इतना ही हो रहा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा सारी दुनिया में, या इतने दिन से जो कर रहा वो बताए कि उसको कुछ अनुभूति हुई, कुछ प्राप्ति हुई, कुछ उपलब्धि हुई। छोटे बच्चे को आर्टिफिशियल निपल्स पीते हुए देखते हो तो बड़ी तरस आती, बेचारा कितना ना समझ है। और जिन्होंने जान लिया है, जिन्होंने पा लिया है बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद, वो देखते हैं तुमको, उन्हें भी वैसे तरस आता है, ये बेचारे आर्टिफिशियल निपल्स में उलझे हैं। आपने कभी देखा बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को कभी आर्टिफिशियल निपल्स पीते हुए देखा? देखा किसी को? नहीं देखा। तो कर्म का मार्ग कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ झूठी साधना। दूसरा मार्ग क्या है? ज्ञान योग। क्योंकि मन, ये भी मन की ही एक क्रिया है। ज्ञान का संबंध होता है विचारों से, और विचार मन की उत्पत्ति है। जो कर्म से बचने वाले लोग हैं, दो तरह के आदमी होते हैं। दूसरे तरह का आदमी क्या कहता है कि कर्म करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता,
वो थोड़ा आराम तलब होता है, उधर खोपड़ी का उपयोग बुद्धि से ज़्यादा काम करता है। आप में से ही तमाम बुद्धिजीवी होते हैं, वो काम कम करना चाहते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को समझदार लोगों ने ज्ञान का मार्ग दे दिया, उनसे कहा कि तुम जो ऊर्जा कर्म करने में लगाते हो उस ऊर्जा को सोच विचार में लगाओ। तो अब तुम्हारी जीवन ऊर्जा सोच विचार में पढ़ने लगी, और सोचना भी मन का ही तो काम है। मन बिना सोच विचार के जिंदा रह ही नहीं सकता, बिना विचार के मन रह ही नहीं सकता, विचार गया तो मन गया। इसीलिए तो विचार शून्यता की बात करता हूँ। लेकिन जब आप विचार में ही उलझे रहोगे तो मन जिंदा है। सोचना मन की ज़रूरत है, विचार करना मन की ज़रूरत है। इसी कारण शास्त्र पैदा हुए कि शास्त्रों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। और गुरु ज्ञानी बैठे हुए हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कि उनका ज्ञान भी ग्रहण करो। सत्संग प्रवचन हो रहा है, उसको आप अपने भीतर इकट्ठा करो। तो जो ज्ञान मार्गी हैं वे इन्हीं सारे तरह के विचारों को, शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और शब्दों की चर्चा में लगे रहते हैं। परमात्मा की चर्चा चलती रहती है। जैसे मैंने कल कहा कि परमात्मा की चर्चा दिन भर करते रहो, रात भर करते रहो, चर्चा करने से कहीं मिल सकता है। अगर अंधा प्रकाश की चर्चा करता रहे निरंतर, तो प्रकाश के चर्चा करने से कभी उसको दृष्टि मिल सकती, रोशनी मिल सकती नहीं मिल सकती है। तो परमात्मा की चर्चा करते रहने से परमात्मा मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। ये झूठा भ्रम हो सकता है कि हम तो परमात्मा की इतनी चर्चा करते हैं, हम तो धार्मिक हैं, हम तो आध्यात्मिक हैं। एक अहंकार और पैदा हो जाता है। अहंकार का हो जाना ही एंटी स्पिरिचुअल, धर्म और अध्यात्म का विरोधी अवस्था में आप पहुँच गए। तीसरी बात कहता हूँ, ज्ञान से और विचार से उस चीज़ के बारे में कैसे जाना जा सकता है जिसको आपने अभी तक नहीं जाना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि टिम्बक्टू की मिट्टी और वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में कुछ सोच विचार के बताइए, तो जिस चीज़ को आपने आज तक जाना नहीं है, सुना नहीं है, कोई पहचान नहीं है, उसके बारे में सोच विचार के कुछ कर सकते हैं आप? असंभव है। तो सोच विचार करके परमात्मा के बारे में, जिसको आपने कभी जाना ही नहीं है कि क्या है, कैसे है, क्या होता है, उसको सोच विचार के जान सकते हो। इसलिए सोच विचार के माध्यम से सारी दुनिया में जो परमात्मा को जानने की बात हो रही है, पाश्चात्य जगत में फिलॉसफी पैदा हुई। फिलॉसफी का मतलब विजडम ऑफ नॉलेज, जो परमात्मा क्या है क्या नहीं है उसके बारे में सोचना, विचारना, तर्क करना और निष्कर्ष लेना, ये जारी है आज तक। और वो कहीं नहीं पहुंचे, क्योंकि जो अज्ञात है उसके बारे में सोच विचार से कुछ जाना ही नहीं जा सकता, कुछ पाया ही नहीं जा सकता, असंभव है। इसलिए मैं कहता हूँ, भारतवर्ष ने क्या पैदा किया? भारतवर्ष में फिलॉसफी नहीं पैदा हुई। यहाँ दर्शन शास्त्र, उसका ट्रांसलेशन फिलॉसफी कर दिया लोगों ने, लेकिन दर्शन शास्त्र का ट्रांसलेशन फिलॉसफी नहीं है। हमने दर्शन शास्त्र पे जोड़ दिया। दर्शन शास्त्र क्या? हमारे यहाँ जो भी ज्ञान पैदा हुआ वो तर्क के माध्यम से, सोच विचार के माध्यम से सत्य को पाने की चेष्टा नहीं करता, वो दर्शन पर जोर देता है कि हमें सत्य का दर्शन करना है। हमारे यहाँ जैसे 6 मुख्य दर्शन पैदा हुए। बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध ने जोर दिया सत्य को देखने पर, अनुभव करने पर। उनकी सारी व्यवस्था सत्य को देखने की, अनुभव करने की, साक्षात करने की व्यवस्था है। उसी तरह अनुभव करने की व्यवस्था है जो व्यवस्था मैं आपको समझा रहा हूँ कि सत्य को अनुभव किया जा सकता है, सोच विचार के नहीं पाया जा सकता। भगवान महावीर ने साधवाद की व्यवस्था की, उससे ये बताने की चेष्टा की कि सत्य को अनुभव किया जा सकता है। सांख्य ने बताने की चेष्टा की अपनी विधि से कि उसकी विधि से भी अनुभव किया जा सकता है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का पैदा हुआ, उन्होंने भी अद्वैतवाद की एक व्यवस्था दी कि उससे सत्य का साक्षात किया जा सकता है, परमात्मा का साक्षात किया जा सकता है, परम आनंद को उपलब्ध। उन्होंने एक प्रोसेस, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज जिसके थ्रू आप दर्शन करें, अनुभव करें। हम
मेटाफिजिकल कंक्लूजन्स में नहीं खोए, हमने सत्य को साक्षात करने की चेष्टा की। तो भारतवर्ष में जितना भी दर्शन पैदा हुआ वो विधि बताता है, इसीलिए हम सारी दुनिया में जगतगुरु कहे गए, क्योंकि हमने सत्य को, परम शांति को, परम आनंद को अनुभव करने का जीवंत प्रमाण उपलब्ध कराया। ये दुनिया में कहीं नहीं पैदा हुआ सिवाय पूरब के, चीन जापान में भी पैदा हुआ, लाओ से कन्फ्यूशियस का शास्त्र, जिन्होंने दर्शन की बात की, अनुभव की बात की, लेकिन पाश्चात्य जगत में सिर्फ मेटाफिजिक्स हुई। तो सत्य है अज्ञात, उसे सोच विचार के नहीं जाना जा सकता। वस्तुतः सारा सोच विचार जब छीण हो जाता है, सारा सोच विचार जब बंद हो जाता है, उस समय जिस अवस्था की उपलब्धि होती है उसी में ज्ञान का विस्फोट होता है। इसलिए ज्ञान का मार्ग कोई मार्ग नहीं है, इससे सत्य को, शांति को, आनंद को, परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। तीसरा तल है भावना का तल, जिसका मुख्य सूत्र है प्रेम, और इस प्रेम के कारण कुछ लोग भाव प्रधान है, उन्होंने कहा परमात्मा को ना तो ज्ञान से पाया जा सकता है, ना कर्म से पाया जा सकता है, भाव से यानी प्रेम से पाया जा सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग पैदा हुआ, ये सबसे गहरा तल है मनुष्य के जीवन का, लेकिन वो भी मन की ही क्रिया है। मन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है भाव। भाव प्रधान व्यक्ति प्रेम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान को पाने की बात करता है, लेकिन यह भी तो मन की ही दशा है। भाव में बड़ी शक्ति है, पूरे मन से, पूरे प्राणों से जिस चीज़ का भाव कर लो, जैसा भाव कर लो वैसा हो जाता है। विचार शक्ति के विज्ञान में कहता हूँ ना, जैसा जैसा करेंगे भाव वैसा वैसा मिलेगा परिणाम। तो भाव में शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति क्या पैदा कर सकती है, जिस चीज़ का भाव करोगे। और जिस चीज़ को आपने जाना ही नहीं है उसका भाव कैसे करोगे? परमात्मा तो है अज्ञात, उससे प्रेम कैसे करोगे? अक्सर कहता हूँ कि कोई आपसे कहे कि मिस रोमिता जो न्यूयॉर्क में रहती है ऐसी है वैसी है, सारा वर्णन करे उसका, और कहे मिस रोमिता के प्रेम में उलझ जाओ, मिस रोमिता के प्रेम में डूब जाओ, तुम्हें परम आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। तो तुम मिस रोमिता के प्रेम में डूब सकोगे? नहीं, तुम कहोगे मैं जानता नहीं हूँ गुरु जी, आप कितना भी बता रहे हैं ऐसी है वैसी, लेकिन मुझे कैसे प्रेम हो जाएगा उसके बारे में, नहीं कर सकते। दैट इज़ ट्रू, लेकिन आपने शंकर जी को, शिव जी को भी तो नहीं देखा है, ना जाना है, ना कोई अनुभव, फिर कैसे कहते हो कि मुझे तो प्रेम हो गया है शिव जी से? ये झूठ है जो आप कहते हो, झूठी सांत्वना आप देते हो अपने को, संस्कारित कर दिया गया है कि मुझे तो बहुत प्रेम, कहते कहते आपको बचपन से आपके मन में डाल दिया गया है संस्कार, इसलिए तो बड़ा प्रेम है मुझे शिव जी। किसी को राम जी से, हम तो बिना राम जी को भोग लगाए खाते नहीं है खाना, राम जी से कहाँ प्रेम हो सकता है, असंभव है, किसी को नहीं हुआ। आप कहते हो तो झूठा है, झूठे को आधार मान के तुम चल रहे हो। अरे झूठे का भी नशा होता है, ये तो ऐसे हो गया, कहते हैं गुरु जी नहीं राम में कोई शक्ति तो है, जिस दिन मैं भोग नहीं लगाता हूँ उस दिन दिन भर बेचैनी रहती है, यानी राम जी बेचारे नाराज़ हो जाते होंगे, उनका कहना है कि जिस दिन भोग नहीं लगाया राम जी को किसी कारण से, तो दिन भर बेचैन रहते हैं, राम जी नाराज़ होकर बेचैन कर देते हैं। हमने कहा एक आदमी सिगरेट पीता है रोज़, एक दिन नहीं पीता है तो वो भी बेचैन हो जाता है दिन भर, इसका मतलब सिगरेट में भी वही शक्ति है जो राम जी में शक्ति है, सिगरेट भी बेचैन कर देता है तुम्हें, उतना ही बेचैन कर देता है जितना राम जी बेचैन कर देते हैं। मैं तो बहुत इनोसेंट बात कर रहा हूँ, कोई लाग लपेट वाली नहीं। तो ये हमारा राम के प्रति प्रेम भी झूठा है, शिव जी के प्रति प्रेम भी झूठा है, हम जो भक्ति के नाम पे करते हैं सब झूठा है, थोड़ा भय के मारे कर लेते हैं, इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की कि राम की बात आ जाए तो कैसे कोई कह सकता है। मैं तो सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य को कहने के लिए हिम्मत तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी, परिणाम में जो कुछ झेलना पड़े झेलना पड़ेगा, उसके लिए तो आदमी को तैयार भी रहना चाहिए उतने के लिए। हमने धंधा ही वही कर रखा सत्य को कहने का, अपने अनुभव को कहने का, अगर वो भी नहीं करूँगा
तो धंधे के साथ अन्याय होगा, वो अन्याय मैं नहीं करना चाहता हूँ, कर भी नहीं सकूँगा। और आपको सच्ची सच्ची बात बताऊँगा, यानी भावनाओं में शक्ति है, लेकिन भावनाएं सत्य को नहीं प्रकट कर सकती हैं। भावनाएं उसी को प्रकट करती हैं जिसका आप भाव करते हो। इसीलिए संत तुलसीदास एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, और वही बात भक्ति के सबसे खिलाफ पड़ जाती है। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी जिसने जिस तरह का भाव किया परमात्मा के बारे में, प्रभु के बारे में, जिसका जैसा भाव था उसको वैसे ही शक्ल दिखाई पड़ी भगवान की, यानी उसके भीतर का भाव दिखा, यानी सत्य नहीं दिखा, जो वास्तव में शक्ल थी उनकी वो नहीं दिखी। क्या दिखी? जैसी रही भावना जैसी। और सत्य यही है कि जिसको आपने जाना नहीं, जिसको आपने देखा नहीं, जिसका आपको अनुभव नहीं, वो सत्य आपको कैसे दिखाई पड़ सकता है? आपको तो वही दिखाई पड़ सकता है भाव के माध्यम से, जिसका आप भाव करें। लेकिन हम कहें कि आप मिस रोमिता का भाव करो, कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो भाव के माध्यम से कभी सत्य को नहीं पहुंच सकते हो, भक्ति के माध्यम से कभी सत्य को नहीं पहुंच सकते हो। लेकिन भाव का अपना उपयोग है। दुनिया के सारे संबंध भाव जगत से जुड़े हुए हैं, दुनिया के संबंधों में उपयोगी है, लेकिन परमात्मा के जगत में इसका कोई उपयोग नहीं है। निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्म के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से कभी तुम परम शांति, परम आनंद के रूप में परमात्मा का स्वाद नहीं प्राप्त कर सकोगे। या आप देखो, आप लोग इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई काम करते रहे होगे अब तक मेरे से मिलने के पहले तक, चाहे कर्म मार्गी, चाहे ज्ञान मार्गी, चाहे भक्ति मार्गी। और आज तक मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने हृदय में याद कर लेना, आज तक उससे कुछ मिला आपको? वास्तव में नहीं मिला। मैं भी इन सब रास्तों से गुजरा हूँ, कुछ भी नहीं मिला, तभी तो बेचैनी बढ़ी, फिर मिलेगा कैसे? ये तीनों बहुत ज़रूरी है, कर्म, ज्ञान और भाव जगत, ये तीनों मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है। लेकिन इनसे भौतिक जगत में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में उस अज्ञात का अनुभव करने की दिशा में इनसे कोई मदद नहीं मिलती। ये तीनों भ्रम हैं, ये तीनों भटकाव हैं, ये तीनों अस्तित्व की शाखाएं हैं, लेकिन अस्तित्व की जड़ तक, यानी अस्तित्व के मूल स्रोत तक, यानी परमात्मा तक आपको नहीं पहुँचा सकते। और आपका पूरा जीवन इन तीन तलों पर चलता रहता है। सारा जीवन मनुष्य का इन तीन तलों पर होता है। कर्म के तल पर, या तो आप कर्म करते हैं बुद्धि के माध्यम से, विचार और ज्ञान में लगे रहते हैं, और तीसरा तल भाव का है, प्रेम का है, भक्ति का। जीते इन्हें तीन तलों पर है, तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो एक अद्भुत मार्ग की बात कही कि कर्म के मार्ग को, भाव के मार्ग को, ज्ञान के मार्ग को कैसे उपयोग किया जाए, इसके उपयोग करने की एक विधि है। वो विधि है जिसे हम कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग क्या है? भगवान कृष्ण गीता में तीन मार्गों की बात करते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो आपको मैं एक बहुत सरल फार्मूला बताना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति कर्म प्रधान है, कोई व्यक्ति भाव प्रधान है, और कोई व्यक्ति बुद्धि प्रधान है। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों के साथ ध्यान जोड़ दो। कर्म के साथ ध्यान जोड़ दो, कर्म प्लस ध्यान इक्वल टू कर्म योग, भक्ति प्लस ध्यान इक्वल टू भक्ति योग, और ज्ञान प्लस ध्यान इक्वल टू ज्ञान योग।